अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिज़र्ट बनाना सिखा रही हूँ, जो कि है बनॉफी पाई डिज़र्ट कप्स। बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसमें क्रीम, बिस्किट्स, बनाना और कैरमल सॉस और बहुत मज़े की चॉकलेट सॉस और भी बहुत सारे यमी इंग्रेडिएंट्स हैं। ईद पे जैसे कि आपको पता है, सब शीर कोरमा तो बना ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ नया ट्राई करें, आपके मेहमानों को भी अच्छा लगेगा और ये ठंडा ठंडा जब आप खाएंगे तो आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ, डू ट्राई दिस और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उनमें हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव बिस्किट्स, जो कि तकरीबन 12 अदद आप ले लें। इसके अलावा इसमें जाएगी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम 200 ml लेनी है, यानी कि एक पैकेट, और इसको व्हिप कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना, थोड़ी सी लूज़ लूज़ रखनी है। इसके अलावा इसमें चॉकलेट सॉस जाएगी और कैरमल सॉस जाएगी। टॉफ़ी कैरमल सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चॉकलेट सॉस की रेसिपी भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर दूँगी। इसके अलावा केले इसमें मैं काट के डालूँगी, ना बहुत ज़्यादा कच्चे होने चाहिए ना बहुत ज़्यादा पके हुए होने चाहिए, बस नॉर्मल होने चाहिए। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए इसमें वाइट चॉकलेट वेफर्स हैं थोड़े से, और रोस्टेड आलमंड्स हैं जो कि मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। तो सबसे पहले आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश कर लें, हाथ से ही तोड़ लें, बहुत बारीक नहीं होना चाहिए। अब मैं डिज़र्ट कप्स को असेंबल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स डालूँगी, आप देख लें मैंने इनको किस तरीके से हाथ से ही जो है वो क्रश कर लिया है। बहुत बारीक नहीं कीजिएगा वरना फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। बनानास को मैंने स्लाइस कर लिया है इस तरीके से, और अब मैं कैसे असेंबल करती हूँ, और लेयर्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अब आप देखिए और फॉलो कीजिए कि मैं कैसे इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। अब मैंने जो टॉफ़ी कैरमल सॉस बनाई है वो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसको ट्राई करें। इनफैक्ट एक और डिज़र्ट मैंने इस टॉफ़ी कैरमल सॉस को यूज़ करते हुए बनाया है, वो भी मैं शेयर कर दूँगी, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा चॉकलेट सॉस की रेसिपी भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर दूँगी, वो भी बहुत मज़ेदार बनेगी। और फिर आप टॉफ़ी कैरमल सॉस को और चॉकलेट सॉस को आइसक्रीम्स पर यूज़ करें, इस तरीके के डिज़र्ट कप्स बनाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, पैनकेक्स हो गए या वॉफल्स हो गए, आप किसी भी चीज़ के ऊपर डाल के खा सकते हैं। और फिर मैं ऊपर से जो है वो गार्निशिंग करूँगी रोस्टेड आलमंड्स की और वाइट चॉकलेट वेफर्स की, और इस तरीके से ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी।
तो बनोफी पाए डिज़र्ट कप्स बिल्कुल रेडी हैं, ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ डिफरेंट जब आप बनाएंगे तो आपके मेहमानों को भी अच्छा लगेगा, और बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है जो कि आपको बहुत मुश्किल लगे या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो। आपको बस असेंबल ही करना है और आप बहुत आसानी से ये घर पे बना सकते हैं, और फिर इसको चिल करें, ठंडा करें और इंडिविजुअली आप सर्व करें। यही जो है वो डेजर्ट कप्स का पर्पस होता है कि आप आसानी से आप प्रोपोर्शंस में भी कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। तो रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।